मुझे गोरा बच्चा चाहिए, कान खोल के सुन। बच्चा पैदा भी नहीं हुआ अभी और अभी से काला गोरा रेसिज्म शुरू कर दिया। क्या तुम लोगों को भी लगता है कि गोरा होना ही सक्सेस है? क्या तुम लोग को भी लगता है कि गोरा होने के बाद तुमको सभी चीज मिल जाएगी? क्या तुम लोग को भी ऐसा लगता है कि गोरा होने के बाद तुम कुतुब मीनार में जाके उसकी भी बूंद मार लोगे? अगर हाँ तो ये लट फेंक के मारेगा मैं। खैर आज अपन लोग बात करेंगे रेसिज्म की। हाँ रेसिज्म जो हम लोगों के लिए मजाक है, टीवी एड वालों का धंधा आगे बढ़ाने के लिए ये चमत्कार है और जिसके ऊपर बीत रही हो उसके लिए ये अत्याचार है। तो रेसिज्म शुरू कहाँ से होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे जहाँ पे हमें संस्कार दिए जाते हैं लेकिन साथ में रेसिज्म भी, स्कूल। राम काले कृष्ण काले। हाँ तो सबको मालूम है हमारे कृष्ण कन्हैया भगवान का कलर था सांवला। एग्री करते हो ना सब लोग? बाद में कोई गलत नहीं बोलेगा। लेकिन छोटे छोटे जब बाल गोपाल बनते थे, मटकी फोड़ते थे जन्माष्टमी पे, तो इतने सारे बच्चे आते थे कृष्ण बन के, लेकिन टॉप पे कौन लगता था? सबसे ज्यादा गोरा, स्मार्ट, गुड लुकिंग। ये रेसिज्म नहीं है। एग्जाम्पल नंबर टू। अब मान लो कि तुम्हारे स्कूल में कोई फंक्शन है और एक गर्ल्स का ग्रुप उसके अंदर डांस करने वाला है, तो परफॉर्मेंस की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब उन गर्ल्स को स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए असेंबल्ड किया जाएगा और उस दौरान फ्रंट लाइन में कौन सी लड़कियां खड़ी होगी? ऑफकोर्स जो अच्छा डांस करती होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो अच्छी दिखती होगी, जो गोरी होगी। अब जिन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है प्लीज कमेंट करके बताना और उनके कमेंट पे कोई प्लीज गलत रिप्लाई मत देना क्योंकि चैनल से बैन। खैर मैंने खुद ने नोटिस किया कि अगर मेरे चेहरे पे पिंपल है, मेरा रंग डार्क है, तो मेरी जगह वो लोग अपॉर्चुनिटी देंगे किसी गुड लुकिंग बंदे को। इसका मतलब जाने अनजाने स्कूल वाले रेसिज्म प्रमोट कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं कॉलेज पे। कॉलेज जहाँ पे बारबी का लोंडा सपना लेके जाता है कि एक बंदी पटाएगा और एक अच्छा पैकेज लेके आएगा, लेकिन बदले में उसको दो चार जिगरी दोस्त और सिगरेट की आदत लगती है। खैर सोचो कि तुम लड़का या लड़की हो लेकिन तुम्हारा कलर डार्क है और तुम्हारी एक फ्रेंड है या फ्रेंड है जिसका रंग बहुत अच्छा है। अब सामने से एक लड़का आता है जिसको तुम लाइक करते हो लेकिन वो प्रपोज करता है तुम्हारे फ्रेंड को, तो तुम्हें बुरा लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा, तुम्हें हर्ट भी होगा। हम लोग इंसान है यार और इसे ही हम लोग बोलेंगे रेसिज्म। लेकिन तुम्हारे दिल को तसल्ली देने के लिए मैं बोल दूं, अगर कोई लड़का या लड़की है जो सिर्फ लुक की वजह से रिलेशनशिप में आते हैं तो यार सिर्फ 5 या 6 महीने तक ये बाबू बच्चा भांग भरोसा चलेगा और उसके बाद होगा ब्रेकअप, इंतकाम। यार मैं कैसे लव गुरु जैसी बात कर रहा हूँ यार? खैर यूट्यूब पे हो ही क्या रहा है? अब हिंदुस्तानी भाव कोई क्रिएटर नहीं, रिंचक पूजा, ओम प्रकाश ये कोई सिंगर नहीं, और वीडियो में लड़कियों को स्लट बोलने वाले लड़के रोस्टर नहीं। खैर मैं तुम्हें बता दूं इसे रोस्टिंग नहीं साइबर बुलिंग कहते हैं। खैर साइबर बुली से याद आया कि 19 जून को था वर्ल्ड साइबर बुली डे और इसी दिन फेमिस ने स्टार्ट किया था एक कैंपेन, जो कैंपेन है पेरेंट्स और तुम लड़कियों के लिए, और इस कैंपेन के थ्रू वो बच्चों को और तुम्हें साइबर बुली से दूर रख सकते हैं। और इस कैंपेन को तुम ज्वाइन करते हो तो $799 का आईपैड एंड $50 के आईट्यून और गूगल प्ले स्टोर के गिफ्ट कार्ड्स तुम लोग जीत सकते हो। एंड इंटर करने के लिए तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, तुम्हें वहाँ जाना है और साइबर बुली से रिलेटेड वर्ड जैसे गीक, वियर्डो, रिटार्ड ऐसे वर्ड वहाँ पे जाके सबमिट करने। अब तुम्हें पता है कि यार साइबर बुली, रेसिज्म, इससे बहुत लोग हर्ट होते हैं यार, तो जब तुम ऐसे वर्ड वहाँ पे सबमिट कर दोगे तो फेमिस एप को हेल्प करेगा तुम्हें और पेरेंट्स को साइबर बुली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने में। फिर ये कैंपेन 3 जुलाई को एंड होगा, तो उसके पहले आओ ज्वाइन करते हैं एंड लेट्स एंड दिस साइबर बुलिंग टुगेदर। एंड डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो गो एंड पार्टिसिपेट इन गिव अवे। खैर अभी मैं तुम लोगों को दिखाता है कि कैसे ये इंडियन टीवी के एड्स रेसिज्म को प्रमोट करते हैं। एंड लवली फेस वॉश, जितना भी मुदो नहीं मिलता है ग्लो, साबुन या पानी, नो ग्लो नो ग्लो, वांट द ग्लो। इन 4 पुदीनों की चटनियों से मैं पूछना चाहूंगा और कितना ग्लो चाहिए तुमको? चलो यार इतना ही ग्लो चाहिए तो सर पे बिंदी की जगह इस टाइप का बल्ब लगा लो, ग्लो भी बढ़ जाएगा और बीच बीच में झटके भी मिलेंगे। Want the glow? और यामी दीदी आप यार कितना ग्लो करोगे? यार सबको पता है बॉलीवुड में कि आप ऑलरेडी गोरी हो, एक काम करो मेरे घर पे आओ और इस रिंग लाइट की जगह आप ही खड़े हो जाओ। बच्चन साहब भी बोली गए थे पहले, जिसकी बीबी गोरी उसका भी बड़ा नाम है। अरे कमरे में बैठा लो, बिजली का क्या काम है? करन हंसम, नाम तो सुना ही होगा। नहीं 11 मुल्कों के मर्दों की सख्त त्वचा। ये क्या है? ये बचपन में मैं करता था 1 2 3 और फिर घिस लो। कमेंट सेक्शन में क्रेजी दीप की कॉपी एवरीबॉडी। ए ए एक मिनट ये पढ़ो पहले। प्रतिदिन 2 बार नियमित उपयोग के साथ परिणाम भिन्न हो सकता है। स्ट्रेटजी समझ रहे हो तुम लोग? हमारे शाहरुख भाई इतने बड़े, 3 बिंदी वाला बहादुर गोलगप्पा,
इतना बड़ा, लेकिन डिस्क्लेमर इतू सा। और परिणाम तो भिन्न होना ही है, क्योंकि जो रियल लाइफ में इस क्रीम को यूज करेगा वो नेचुरली ब्लैक है, लेकिन तुम लोग के गोरे आदमी के ऊपर गोबर घिसोगे, टट्टी घिसोगे, पता नहीं क्या क्या घिस के उसको काला बनाओगे, और फिर पानी से उसका मुंह धुला के उसको गोरा कर दोगे, फिर बिफोर एंड आफ्टर। गधा समझते हो हमको क्या? खैर गधे से याद है आलिया भट्ट, ऐसे नहीं। स्पॉट 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 नाइट हो या स्पॉट स्पॉट स्पॉट, अगर मेरे चेहरे पे स्पॉट है तो क्या मैं इंसान नहीं? नहीं। बुक्का सिंह यार, मेरी बेइज्जती कर दे तू हर वीडियो में। नहीं नहीं, मेरी बेइज्जती कर देना, मैं रोज चैनल मेरी बेइज्जती कर दू यार, मेरे को नहीं करना, जा जा मेरे को नहीं करना। मेरे चेहरे पे स्पॉट है तो क्या तुम लोग मुझसे प्यार नहीं करते? अगर मेरे चेहरे पे स्पॉट है तो क्या यूट्यूब मेरी वीडियो प्रमोट नहीं करेगा? यही रीजन है कि ये यूट्यूब प्रमोट नहीं करता, ये यूट्यूब रेसिस्ट है साला, अमेरिका का दलाल बहनचोद। खैर अब मैं तुम लोगों को दिखाएगा मेरी पर्सनल फेवरेट एड। इंडिया की टीम गई आलू टिंडे खरीदने, अपोनेंट टीम गई सीधे मार्स पे, तो क्यों ना जाएगी यार, मैच उनका चल रहा है लेकिन ऑडियंस, कैमरा वाला और बाकी सारे लोंडे किसको देख रहे हैं? कमेंट्री करने वाली लड़की को। साले तुम्हारे एड के चक्कर में हर साल यही होता है, विराट कोहली खेलता रह जाता है लेकिन कैमरा मैन ना ऑडियंस में बैठी किसी लड़की पे फोकस कर लेता है, वो लड़की के एक दिन में 1,00,000 फॉलोवर हो जाते हैं, और ये मेरे जैसा क्रिएटर साल भर बोलने के बाद 20,000 भी नहीं कर पाता। यार प्लीज यार फॉलो करो ना यार, तुम फॉलो क्यों नहीं करते हो? प्लीज ये इंस्टा आईडी प्लीज फॉलो कर दो ना प्लीज। कंधा बना कंधा बना कंधा बना कंधा बना, सिर्फ पोज मारोगे तो कंधा बनकर रह जाओगे। नहीं ये सही है यार, जब शाहरुख भाई ऐसे करते हैं तो लड़कियां टूट जाती है, लड़कियां मर जाती है, लड़कियां पागल हो जाती है यार। लेकिन जब इस भूखा चौदा प्राणी ने ये सब किया तो कंधा बना कंधा बना कंधा बना। खैर अब मैं तुमको दिखाता हूँ इन सभी चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई। देख तो सही ठरकी औलाद को, अबे ऐसे कैसे घूर रहा है? लड़की देखने गए और अगर ऐसे कांड किए ना तो लड़की का बाप छोड़ लड़की की माँ चप्पल उठा के मारेगी। एक सजेशन दूंगा, जब चप्पल उठा के मारे ना तो वो चप्पल लेके ही भाग जाना, ताकि फेंक ही ना पाए। खैर जब ये लोंडा बोला ना बस यहीं से तो सारा कांड शुरू हुआ। खैर इन एड्स के बाद लड़कियों को लगता है कि दुकान पे जाओ क्रीम ले लो, उसके बाद सारी प्रॉब्लम खत्म, अब मैं चांद पे जा सकती है, मैं यूपीएससी क्लियर कर सकती है, मैं कुछ भी कर सकती है, ये भरम में जीना छोड़ दो। लेकिन तुम लड़की हो, तुम स्त्री हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। कल्पना मैम, सानिया मिर्जा, इन सब ने हमारे इंडिया का नाम रोशन किया है ना, ये सब थोड़ी ना लगी थी फेयर एंड लवली की बकचोदियों में। जितना भी हो दो ये पागल औरत बंद करके लट फेंक के मारेगा मैं। खैर अब इनसे मिलिए, ये भाई साहब है ब्लीचिंग क्रीम मैन्युफैक्चरर, और सुनो कि इन्होंने क्या बोला। मार्केटिंग पीपल फॉर कॉस्मेटिक्स गेट मोर सक्सेस व्हेन दे से अ प्रोडक्ट इज फॉर फेयरनेस। मतलब इनके हिसाब से जब कोई प्रोडक्ट आता है और वो ये बोलता है कि फेयरनेस से रिलेटेड है तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। और यही रीजन था कि मैंने स्कूल और कॉलेज की बात उठाई, हम लोगों की इंडियंस की मेंटेलिटी में ऐसा है कि ये काला ये गोरा, और इस चीज का फायदा ये इंडियन टीवी के एड्स उठाते हैं। तो अब अगर मैंने कॉमेडी करके और ये सब करके कुछ तुमको समझाया हो तो वीडियो पे लाइक मारो यार। खैर मेरे को कमेंट करके बताओ क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ रेसिज्म हुआ है, ताकि मैं उन सबको जोड़ के एक वीडियो बना सकूं। और नए हो तो यार सब्सक्राइब करके वो घंटा दबा दो। मैं मिलता है तुम लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
waves in the